और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे में व्यवधान डालने वाले आखिर कौन लोग थे? आखिर केंद्रीय मंत्री जब प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर पहुंचे तो कुछ लोग उनके पहुंचने पर नाखुशी क्यों जता रहे थे? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा थी? क्या इन चंद लोगों में विरोधी दल के कार्यकर्ता भी शामिल थे या कांग्रेस के नेता इनको बढ़ा रहे थे? क्योंकि जब बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को केंद्र सरकार से बाढ़ राहत पैकेज दिया जाएगा तो इस पैकेज में केंद्रीय कृषि मंत्री का सर्वे मायने रखता है। राज्य को केंद्र से मदद दिलाने में केंद्र में प्रदेश के मंत्रियों की बड़ी भूमिका होती है और अब पुलिस प्रशासन के सामने सवाल यही है कि वो उन लोगों की पहचान करे जो केंद्रीय मंत्री के दौरे के दौरान व्यवधान डालने की कोशिश कर रहे थे और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए।